गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा सुप्रभात। आज के इस सेशन में हम लोग सेट 18 देखेंगे। इस सेट में कम्युनिकेशन के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो जहां से हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो है सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में कह रहा है क्या होता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव आर वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। पैरामीटर ऑफ कैरियर वेव आर हेल्ड कॉन्स्टेंट फॉर प्रॉपर एंड इफिशियंट रेडिएशन। द रिसीविंग एंटीना शुड हैव हाइट कंपेरेबल टू हाई हाफ वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड। दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड फर्स्ट विद इन द रेंज ऑफ 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज। तारा इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको वैरीड किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मीन्स कैरियर वेव का बात होगा, कैरियर का जो है कैरियर सिग्नल हो गया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। वही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होगा ये क्या होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या इसी को हम लोग मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल बोलते हैं, सब इसी का नाम है। ठीक है ना, सब जो है इसी का नाम है। तो कैरियर सिग्नल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वेरी करता है इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन का ऑप्शन ए। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, When the modulating frequency is doubled, the modulation index is half. Double मतलब दुगुना कर दिया जाता है। जब दुगुना कर दिया जाता है modulating frequency को, तब modulation index क्या होता है, आधा हो जाता है। And the modulating voltage remains constant. और modulating voltage क्या होता है, constant रहता है। तो कह रहा है दिस द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज, ये कौन सा मॉड्यूलेशन सिस्टम होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नन ऑफ दिस। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको एम ऑफ एफ से भी डिनोट करते हैं, इज कॉल टू होता है डेल एफ बटे एफ एम, डेल एफ बटे एफ एम। तो डेल एफ हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया डेल एफ, और एफ एम हो गया मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो कह रहा व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल। अब देखिए यहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल एफ बटे एफ एम हो गया। अगर ये जो एफ एम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को अगर दुगुना कीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप दुगुना कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एंड द मॉड्यूलेटिंग, जैसे एम एफ इज कॉल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ बटे एफ एम की जगह पर टू एफ एम की जगह क्या आ जाएगा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज कॉल टू क्या हो जाएगा, ये वन बाय टू डेल एफ बटे एफ एम, आधा हो गया। तो ये किस में होता है, तो ऐसा जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है, एफएम में होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसका रेंज कितना होता है, 88 मेगाहर्ज से 108 मेगाहर्ज के बीच में होता है एफएम का रेंज।
ठीक है ना, इसी रेंज में आप रेडियो धमाल सुनते हैं, रेडियो मिर्ची सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं, ये सारा जो है एफएम का होता है, इसी रेंज में हम लोग सुनते हैं 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एफएम सिग्नल हैविंग कैरियर स्विंग ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज। कैरियर स्विंग कितना दिया हुआ है, कैरियर स्विंग इज इक्वल टू होता है 2 डेल एफ। डेल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, ठीक है ना। तो कैरियर स्विंग कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ, 100 इज इक्वल टू 2 डेल एफ हो जाएगा। तो डेल एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बटे 2 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। डेल एफ आ गया 50, ठीक है ना, 50 ये किलो हर्ज में था तो 50 किलो हर्ज हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ज दिया हुआ है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। पुट कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है, 50 किलो हर्ज और बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ज हो गया। किलो हर्ज कट जाएगा, अब इसको काटिए, 5 8 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 6 48, 2 20, 8 2 16 4 0, 8 5 40, 6.25। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, 6.25, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैरियर स्विंग इज इक्वल टू होता है 2 डेल एफ, डेल एफ हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। और बैंडविड्थ कार्सन्स रूल से एफएम का अगर बैंडविड्थ पूछेगा, कार्सन्स रूल से अगर बैंडविड्थ निकालने के लिए रहेगा एफएम का, तो क्या होता है, 2 डेल एफ प्लस एफएम। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये एफएम का बैंडविड्थ हो गया, कर्सन रूप से एफएम का बैंडविड्थ हो गया, वाइड बैंड एफएम का, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6.25 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में क्यों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इट इज मोर नॉइज इम्यून देन अदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बिल्कुल भी नहीं, नॉइज इम्यून इम्यूनिटी जो है एफएम में इससे अच्छा ही होता है। कंपेयर्ड विथ अदर सिस्टम इट रिक्वायर लेस ट्रांसमिटिंग पावर, ऐसा भी नहीं है। इट यूज अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, नो अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम कैन प्रोवाइड द नेसेसरी बैंडविड्थ फॉर हाई फिडेलिटी। इट यूज अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, ये रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करता है, मीन्स सिंपल, इसका जो रिसीवर होता है एम का वो सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, जटिलता जो है कम होता है। तो डेट्स वाई वी प्रीफर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसलिए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का सी, सेज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर इज डन बाय यूजिंग, बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर इज डन बाय बूस्टिंग, बूस्ट किया जाता है, ठीक है ना। पहले का जो एंटीना था, यागी उड एंटीना जो देखते थे बांस में गार करके, जो है रामायण वगैरह देखने के लिए पहले यूज किया जाता था एंटीना का, जो यूज किया जाता था बहुत पहले, तो उसमें क्या होता था, बूस्टर लगा रहता था। बूस्टर क्या करता है, उसके सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो बूस्टिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर इज डन बाय यूजिंग प्री इम्फेसिस की मदद से जो है बूस्टिंग किया जाता है, ठीक है ना, प्री इम्फेसिस की मदद से बूस्टिंग किया जाता है।
ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइव का सी, प्री इम्फेसिस सर्किट। डी इम्फेसिस सर्किट के मतलब से जो आपको बूस्ट किया हुआ सिग्नल है उसमें से जो ऑर्डिनेशन है उसको रिकवर्ड किया जाता है। तो रिसीवर साइड में आपको डी इम्फेसिस होता है और जो ट्रांसमीटर साइड है वहां पे प्री इम्फेसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इफ द इमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 450 किलोहर्ट्ज एंड द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 1000 किलोहर्ट्ज, देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड इमेज फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली आर। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात कर रहा है, कह रहा है इफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज, इंटरमीडिएट एफ आई दिया हुआ है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, एंड द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 1000 किलोहर्ट्ज, एफएस दिया हुआ है 1000 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो देखिए लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा एफ आई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एफ आई हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, मीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ एस हो गया, ये हो गया सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो हम आपको बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज कॉल टू लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट हो गया लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से एफ आई कितना दिया हुआ है, 450 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, एफ नॉट निकालना है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, माइनस एफ एस दिया हुआ है 1000 किलोहर्ट्ज। तो एफ नॉट इज कॉल टू क्या हो जाएगा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज कॉल टू ये प्लस ये मीन्स 450 प्लस 1000 1450 किलोहर्ज। लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1450 किलोहर्ज आ गया। पहला पूछ रहा था लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए 1450 किलोहर्ज इसमें भी है, इसमें भी है, ए और सी दोनों में है। अब नेक्स्ट है इमेज फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली, और इमेज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इमेज फ्रीक्वेंसी को एफ एस आई से डिनोट करते हैं, एफ एस आई इज इक्वल टू होता है एफ एस प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जिसको हम लोग एफ आई से भी डिनोट करते हैं, तो एफ एस कितना है 1000 है प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ज है, 450 किलोहर्ज। तो 1000 प्लस 450 दूना कितना हो गया 900, तो 1900 किलोहर्ज आ गया। ये हो गया इमेज फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को आई एफ लिखे या एफ आई लिखे या फिर आई एफ भी लिख सकते, तो यहाँ पे अगर एफ आई लिखे थे तो एफ एस आई इज इक्वल टू हो जाता है एफ एस प्लस 2 एफ आई, ठीक है, उसी को आई एफ लिख दिया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेम चीज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आ गया 1450 किलोहर्ट्ज और इमेज फ्रीक्वेंसी आ गया 1900 किलोहर्ट्ज। 1450 किलोहर्ट्ज आ गया लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और इमेज फ्रीक्वेंसी आ गया 1900 किलो हर्ज, मींस ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्स का सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंडविड्थ ऑफ 10 किलो हर्ज इज रिक्वायर्ड फॉर एएम सिस्टम, 10 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ चाहिए एएम के लिए। इफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 455 किलो हर्ट्ज, कैरियर फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज इज, ठीक है, ए बैंडविड्थ ऑफ 10 किलो हर्ट्ज इज रिक्वायर्ड फॉर एएम सिस्टम, कितना बैंडविड्थ चाहिए, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है 2 एफ एम होता है एएम के लिए
और यहां पे बैंडविड्थ दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 FM, तो 2 FM, तो FM इज इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज FM हो गया, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 455 किलोहर्ट्ज, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कह रहा है 455 किलोहर्ट्ज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस ये हायर फ्रीक्वेंसी अपर हो गया, लोअर फ्रीक्वेंसी एफ एल मान के चलिए दिया हुआ है 455 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। इफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 455 किलोहर्ट्ज, कैरियर फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज इज, कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिया हुआ है, मींस एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस, ठीक है ना,